जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आजाद रोड पर स्थित जगदम्बा शू कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दो घंटे से गोदाम में लगी हुई इस आग को बुझाने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जगदम्बा शू कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस विभाग और दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राजा, क्या काम करते हो? जूते की दुकान पे। अच्छा, ये जूते दुकान में आग लगी, उसी पे काम करते हो? कैसे आग लगी? पता ना, ऊपर से लगते ही टावर पे थे। टावर किस चीज़ का है वो? जियो का। अच्छा, फिर क्या हुआ? पता ना, फिर वो फिर आग लग गई, फिर सब में आग लग गई, दुकान में दूसरी तीसरी सब मंजिल पे। कितना नुकसान होगा? नुकसान होगा ना, करोड़ों का हो। सारे माल जल गया? हाँ, बचा? कुछ नहीं बचा। कितने मंजिल बना हुआ है गोदाम ये? चार, तीन मंजिल। तीनों में आग लग गई। और किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा? जान माल का? जान माल का नुकसान तो पहुँचे, एक आदमी का नुकसान पहुँच गया। क्या हुआ? इसके अलग हाथ जल गया, हाथ में जल गया। किसका हाथ जल गया? एक आदमी ब्रेड का, पता ना क्या कहाँ का ज़्यादा जल गया उसका। अब वो कहाँ है? यहाँ पे है। सर, बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये परम कर्तव्य समझते हुए हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग को जो है कंट्रोल पाया और आज इस टाइम बिल्कुल पूर्ण रूप से कंट्रोल हो चुकी है। आप कोई घबराने वाली बात नहीं। आपको कहीं चोट नहीं आई? नहीं, मेरे कोई चोट वोट नहीं आई। ये चंदोसी में बस स्टैंड के पास में एक गुरुद्वारा है, इसी के समीप में एक जूते चप्पल की दुकान है जिसमें उन्होंने गोदाम भी बना रखा था। यहीं पे आग लगी हुई है जिसमें हमारी फायर टेंडर आई हुई है। जनपद से 3 फायर टेंडर और मुरादाबाद से 2 फायर टेंडर और बदायूं से भी 2 फायर टेंडर मंगाए गए हैं। अभी इसमें आग बुझाने का कार्य जारी हुई है। हमारे सारा पुलिस और सारा फायर का जितने लोग हैं वो सब लगे हुए हैं और सभी लोग मेहनत करके, और आम जनता भी यहाँ साथ में लगी हुई है, सभी लोग मेहनत करके इसको आग को बुझाया जा रहा है। किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, केवल जो इसमें आर्थिक क्षति है उनके जूते चप्पल के गोदाम की दुकान की, वो बाद में असर किया जाएगा। अभी फिलहाल तो सभी लोग लग करके प्रयासरत हैं जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाने के लिए। कारणों को पता चल पाया? अभी नहीं, अभी तो पहले का आग बुझाई जाए, फिर उसके बाद इसका फैसल द्वारा वो कराया जाएगा कि कैसे आग लगी है, इसका ट्रीटमेंट करा करके फिर पता चलेगा कि कैसे करें।